लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अमन विहार इलाके में एक सामाजिक संस्था द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच कराने पहुंचे। इस कैंप में आंखों की जांच सहित कई तरह की जांच बिल्कुल मुफ्त की गई। लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए इस कैंप के तीसरे दिन भी लोग यहाँ पहुंचे और इस मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। भारत मानव अधिकार संघ सामाजिक संस्था की ओर से लगाए गए इस शिविर का अब तक 300 से 400 लोगों ने लाभ उठाया है। संस्था की ओर से पूरी दिल्ली में इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। जहां भी इस तरह के शिविर लगाने की आवश्यकता होगी, संस्था की ओर से वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है और हमारी संस्था भारत मानव अधिकार संघ इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन, और हमने अभी प्लान किया है कि हम पूरी दिल्ली में एक कैंप स्टार्ट किया है और 1 तारीख से यहाँ से शुरुआत कर दी हमने। अभी इसके बाद रोहिणी में जहाँ जहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती जाएगी, हम वहाँ पर कैंप लगवाते जाएंगे। और करीब 3 दिन हो गए, इसके बाद तीसरा दिन है, तो 3 दिन में करीब 300-400 लोगों ने यहाँ पे अपना टेस्ट कराया है। आम लोग जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में बड़ी भीड़ भाड़ और दिक्कतें आती है, उससे बचने के लिए लोग बहुत आ रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस को आपको पता ही है, जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं वो 5,000 रुपये का प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट होता है। तो डॉक्टर साहब ने हमें सारी गाइडलाइंस दी थी कि भैया ऐसे ऐसे जो टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं वो हम बिल्कुल फ्री करेंगे, और यही टेस्ट अगर प्राइवेट में कराते हैं तो 5,000 रुपये की उसकी कॉस्ट बताई गई थी। तो यहाँ पर हम ये सारे टेस्ट फ्री करा रहे हैं। आँखों की भी जाँच कराई है और अपनी नसों की जाँच कराई है, शुगर BP ये सब जाँच हुई है। किसी तरह का कोई शुल्क लगाया आपका? नहीं नहीं, मेरा कोई शुल्क नहीं लगाया। कार्य है तो हम लोग लाइन में जाने से बच जाते हैं। दूसरी बात कि फ्री टेस्ट होते हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के टेस्ट हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ आने पर हमारे को उसका लाभ फ्री में मिला है।